हाँ तो नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आप सीखेंगे पैंटी की कटिंग करना, यानी हिप से पैंटी कटिंग करेंगे हम। तो वीडियो के अंत तक बने रहे दोस्तों, लास्ट तक देखोगे तभी समझ में आएगा। अगर दोस्तों आप बीच में देख के अधूरा देख के आप छोड़ देंगे तो आपके समझ नहीं आएगा। शुरू से लेके एंड तक आप वीडियो को जरूर देखें और इसी स्किप कर करके ना देखें, शुरू से एंड तक पूरा देखें तभी समझ में आएगा। तो दोस्तों चलते हैं और कटिंग करना सीखते हैं। तो दोस्तों ये देख लीजिए, कपड़े को इस तरह से आप डबल फोल्ड में कर लीजिए। ये देख लीजिए, यानी दोनों मोजे खुले हुए हैं, वो इस तरफ है हमारी तरफ और बंद वाला हिस्सा इधर है, खुला वाला हिस्सा इधर है। तो इस तरह से हमने डबल फोल्ड में लिया है, ठीक है। तो दोस्तों ये सूट का कपड़ा है, यानी पैंट का कपड़ा नहीं है, सूट के कपड़े, जो सलवार सूट के कपड़े हैं, सलवार वाला कपड़ा है। तो ये इसका अंदाज कम आता है, पैंट की तरह नहीं आता है। तो इसको हम इस तरह से डबल फोल्ड में लिया है ना, ठीक है। तो इस तरह से आपको बिछा लेना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, ऊपर एक लाइन खींच लेनी है सीधी, ये देख लीजिए, इस तरह से सीधी लाइन खींच लेनी है, ठीक है। इसके बाद में इसकी लंबाई कितनी थी वो लंबाई ले लीजिए सबसे पहले, सबसे पहले हम लेंगे लंबाई। तो लंबाई देख लीजिए, ये 35 है, 35 सलवार की लंबाई। तो समझ लेते हैं एक बार, फिर करते हैं कटिंग, ठीक है। तो नाप समझ लीजिए आप, ये नाप है दोस्तों, ये देख लीजिए, पैंट है 35 लंबाई रखेंगे, ठीक है। 35 लंबाई है इसकी, 33 कमर है, 40 हिप्स है, 21 थाई है और 12 मोरी है। तो इस तरह से ये नाप है दोस्तों, इसी नाप से आज करेंगे कटिंग। तो हम करेंगे जो हिप है उसी के हिसाब से हम आज पैंट की कटिंग करेंगे। तो दोस्तों चलते हैं और कटिंग करते हैं। तो पैंट रहेगी, यानी आगे बेल्ट रखेंगे, पीछे इलास्टिक लगेगी, साइड में चेन लगेगी और दोनों तरफ पॉकेट भी रखेंगे। तो इस तरह से पैंट है दोस्तों, इस तरह से हम पैंट की कटिंग करेंगे। तो दोस्तों चलते हैं और कटिंग करना सीखते हैं, ठीक है। दोस्तों अब आप नाप समझ लिए होंगे, तो इसके बाद में सबसे पहले लेंगे 35 इसकी लंबाई, ठीक है। तो यहाँ से जो निशान लगा है वहाँ से रख के 35 लंबाई फिक्स ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें बेल्ट रखेंगे 1.25 इंच का, तो उसमें हल्का फुल्का एक्स्ट्रा रहेगा, आधा इंच एक्स्ट्रा इसमें रह जाएगा। तो वो क्या, बनाने के बाद इतनी सी पैंट सिलाई में सिकुड़ जाती है, ठीक है, वो पहनने के बाद चढ़ जाती है। तो इसलिए हम 35 फिक्स लिया, अभी बेल्ट अलग से लग जाएगा उसमें, ठीक है। ये 35 लंबाई ले लिए। इसके बाद में अब लेंगे, तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है, जो अब हम आसन लेंगे वो हिप्स के हिसाब से लेंगे, ठीक है। तो हाँ, आसन कितना, इसमें कितना था, 40, ठीक है, वो आसन नहीं सॉरी, हिप्स कितना था, 40। तो 40 का चौथा हिस्सा कितना होगा, 10 इंच। तो ये देख लीजिए 10 इंच है, तो हम 10 इंच पे निशान ले लेंगे, ठीक है। ये देख लीजिए, तो निशान को उठा लेंगे, ठीक है, और यहाँ से भी इसमें ये निशान इधर लगा देंगे, क्योंकि पक्के किनारे इसको तो हटा देंगे हम। तो यहाँ से लेंगे, अब यहाँ से भी इसमें 10 इंच लेंगे, ठीक है। 10 इंच हमने ऐसे लिया है, ठीक है, ऐसे 10 इंच लिया, और ऐसे भी आपको 10 इंच ले लेना, ये देख लीजिए। इसके बाद में यहाँ से इसमें एक्स्ट्रा ले लेंगे 1/2 इंच, ठीक है। इसके बाद में दो पौने 2 इंच हमें एक्स्ट्रा इसमें फिर से ले लेंगे, जो जो घुमाए वाले घुमा जो लेते हैं शेप देते हैं वो, ठीक है। इसके बाद में इसकी कमर कितनी थी दोस्तों, कमर थी इसमें 33, ठीक है। तो यहाँ से एक बार देख लीजिए, ये कितना आ रहा है, 11 इंच, यहाँ से लेके 11 इंच। तो हमें रखना है 33, 33 रखना है, तो ये 8.5 इंच, ठीक है। तो यहाँ से सीधा ले लेंगे, ठीक है, यहाँ से इसमें 1 इंच कम कर देंगे इधर से, कमर करने के बाद फिर इसके बराबर इसको रखेंगे इस तरह से, और यहाँ से 33 यानी 1/8 इंच, तो इसमें दबाव का मार्जिन इधर और इधर
दोनों इंच, आधा इंच दबाओ, आधा आधा इंच जाएगा तो हम 1 इंच इसमें एक्स्ट्रा आपको लेना है, यानी 1.25 इंच। ठीक है, ये देख लीजिए, इस तरह से 1.25 इंच का निशान लगा लेंगे। अब क्या करेंगे, इस निशान को इस निशान से मिला देंगे। ठीक है, और ये वाला जो निशान है उसको सही पट्टी से मिलाएंगे इस तरह से। ठीक है, इसके बाद में ये निशान उठा लेंगे, ठीक है, इस तरह से हमने डबल फोन ये मोड़ने का मार्जिन ले लिया इसमें। इसके बाद में यहाँ से जो निशान लगाएंगे वो किस तरह से लगाएंगे, यहाँ से लेंगे, इसको इस तरह से रखेंगे, यानी ये यहाँ से यहाँ कितना आ रहा है, 13 इंच, 13 इंच आ रहा है, तो इसका हम आधा कर लेंगे। ठीक है, इसका आधा आएगा 6.5 इंच, तो हम 6.5 इंच पे निशान लगा देंगे यहाँ पर। ठीक है, ये 20 सेंटर आ गया है। अब इसके बाद मोहरी कितनी थी इसकी, 12 इंच। ठीक है, तो 12 यानी 3 इंच इधर ले लिया और 3 इंच इधर ले लिया। ना आपका दूसरा हिस्सा लेना होता दोस्तों इसमें। ठीक है, इसके बाद में जो शेप पट्टी है उससे निशान लगाएंगे। ये देख लीजिए शेप पट्टी है, ये जो ज़्यादा घुमाव है वो वाली नहीं लेना, जो हल्की घुमाई है वो वाला आपको ले लेना। इस तरह से रखेंगे तो दोस्तों ये देख लीजिए इस तरह से मिला देंगे, और इसमें भी इसी तरह रखेंगे, कम घुमाने वाले से लेंगे। ये देख लीजिए, ये निशान लगा लिया हमने, इसको हल्का सी खुलता हुआ लेंगे, यहाँ से इधर भी खुलता हुआ लेंगे। ठीक है, ले लिया है। इसके बाद में ये शेप दे देंगे इसमें। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से हमने निशान लगा लिया है, यानी आगे वाले पल्ले में, और ये यहाँ से आपको जो पॉकेट है वो यहाँ से हम 3 इंच लेंगे इसमें। ठीक है, और इधर से 7 इंच। ये देख लीजिए इस तरह से हमने ले लिया है। ठीक है, अब कर लेंगे कटिंग। ठीक है, अगर दोस्तों आपको इसमें कुछ आपको समझ नहीं आया तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम आपको अगले वीडियो में समझाने की कोशिश करेंगे अच्छे से, और से अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। इसमें भी हमने आराम से आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है, फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, तो अब कर लेंगे कटिंग। तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है, यानी यहाँ से ये हल्का सी डाउन रहना चाहिए, आगे वाला पल्ला डाउन कर देना चाहिए हल्का सी, इससे कि ये पैंट पीछे वाली जो आगे गिरती है, पीछे से गिरती है, वो गिरेगी नहीं, पीछे वाले को हम ऊपर रखेंगे। आप देखते जाइए। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबा के प्रेस कीजिए, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ये देख लीजिए इस तरह से हमने कटिंग कर ली है। ठीक है, इस तरह से हमने कटिंग कर ली है। अब करेंगे बैक पल्ली की कटिंग, यहाँ से इसमें चटका लगा देंगे, क्योंकि हमारा पॉकेट आएगा यहाँ से, और ये यहाँ से मोरी रहेगी तो इसमें भी लगा लेंगे, ये लमने लगा लिया इधर। ठीक है, तो फ्रंट वाला पल्ला हमने कटिंग कर लिया, अब करेंगे बैक पल्ले की कटिंग।
दोस्तों इस तरह से इसमें भी हमने डबल कर लिया है, ये देख लीजिए डबल किया है। इधर से हमने पेंट कर आगे वाला पल्ला निकाला था, अब निकालेंगे बैक पल्ला। तो आपको क्या करना है, इसी के ऊपर इसको रखेंगे, इसी के हिसाब से इस बैक पल्ला कटिंग करेंगे, ठीक है। तो ये देख लीजिए इस तरह से रखेंगे, इस तरह से हमने रख दिया है। अब उठा लेंगे निशान, ये देख लीजिए ये आगे वाला है। बैक वाला पल्ला क्या है, यहाँ से हम ऊपर रखेंगे इस तरह से, ये देख लीजिए। पीछे के जो पैंट पीछे से गिरती है नीचे उतरती है वो उतरेगी नहीं, ठीक है। और यहाँ से ये मोरी है उसका भी ले लेंगे इस तरह से, ले लिया। इसके बाद में यहाँ से हम लेंगे, यहाँ से एक निशान लेंगे इस तरह से, ठीक है, और उसमें सेब दे देंगे, ठीक है। और यहाँ से जो सेब दिया है इस यहाँ से इसमें ले लेंगे हम 3 इंच, 2.5 इंच मान लीजिए, 2.5 इंच आपको ले लेना है। इसके बाद में जो सेब पट्टी है उससे निशान उठा लेंगे, ठीक है। ये देख लीजिए इस तरह से निशान लेंगे, ये लगा लिया हमने। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, बस ये हमने निशान लगा लिया है इसमें। ये यहाँ से 2.5 इंच आपको ले लेना है, ये देख लीजिए हमने 2.5 इंच लिया है, और यहाँ से आपको 1.25 इंच ले लेना, ठीक है। इस तरह से आपको ले लेना है, और यहाँ से आपको 1.5 1.5 2 इंच आपको ले लेना है। तो हमने 1.5 इंच लिया है, 2 इंच भी ले लेते हैं, 1.5 इंच भी ले लेते हैं इसमें, 1.25 इंच यानी जिसके हेल्थ ज़्यादा है उसमें आपको ज़्यादा लेना है, जिसके हेल्थ नहीं है उसमें आपको ज़्यादा नहीं लेना है, 1.5 इंच लेना है आपको, ठीक है। ये जिसके जब पैंट लटका हुआ है, पैंट लटका हुआ रहता है उसके ज़्यादा पैंट उतरने का वो रहता है, तो उसमें आप ज़्यादा ले लीजिए पीछे से, आगे वाला पल्ला कम ले लीजिए, तो उससे के पैंट उतरेगी नहीं और पैंट अच्छी बैठेगी, ठीक है। तो आप कर लेंगे कटिंग, तो इस तरह से हमने कटिंग कर ली है, ये देख लीजिए बैक पल्ले की भी हमने कटिंग कर ली है। ठीक है, ये देख लीजिए ये इधर से इस तरह से है, तो इस तरह से हमने पैंट की कटिंग कर ली है, ठीक है। अब करेंगे इसमें पॉकेट है उसकी कटिंग कर लेंगे, तो जो लंबाई है वो आपको कितनी रखनी है, 14 इंच, 14 इंच लंबाई रखनी है, और 7 इंच आपको चौड़ाई रखनी है, ये देख लीजिए। तो इस तरह से हमने कटिंग करना आपको, उसके बाद में इसमें जो पैंट की कटिंग की है उसके हिसाब से शेप दे देंगे जी। जब बनाएंगे तो सिर्फ बनाने का काम रहेगा, इसमें पॉकेट वगैरह की शेप तो कटिंग करने की जरूरत नहीं रहेगी। और इसमें क्या है, जो नीचे वाला हिस्सा है उसमें भी शेप दे देंगे इस तरह से, देख लीजिए, ठीक है। देख लीजिए इस तरह से रखेंगे, और इसमें
इसके बराबर शेप दे देंगे। यहाँ से इसमें चटका लगा देंगे। ठीक है, तो ये देख लीजिए इस तरह से हमारा पॉकेट हमने कटिंग की है। ठीक है, ये देख लीजिए। तो इस तरह से हमने पेंटिंग कटिंग कर ली दोस्तों, ये देख लीजिए। तो दोस्तों ये हमने पेंटिंग कटिंग कर ली है। अगर इसमें आपको कुछ समझ नहीं आया तो दोस्तों हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, तभी हमें पता चलेगा। ठीक है, तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जब तक खुश रहिए, अपने के साथ समय बिताते रहिए। जय हिंद, जय भारत।